जय हिंद टू ऑल माइ सेव डॉक्टर नीलेश कुमार गुप्ता आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर इट अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद सो टुडे आई विल डिलीवर माय नेक्स्ट लेक्चर फॉर अ सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग इट्स एके कोड इज़ के सी जीरो सेवन फाइव एंड माई लेक्चर टाइटल इज़ सोर्स कोडिंग पार्ट टू Earlier I discussed about the source coding. What is the mean by the source coding? What is its importance in information theory and coding okay. that I told you in my previous lecture. So, today I will go further the various source codes available, their properties, their characteristics, and their significance that is all i will tell you in this lecture okay. now let us recall last time i discussed about the source coding concept what is the meaning of source coding source coding means you are having some information or message that you want to communicate you have to encode that source or information okay. and you have to convert that information or message signal that you want to communicate into some binary sequence into some coded form, okay. that is source coding. But along with source coding, you have to compress your data also. Okay. So, data compression and source coding both will go simultaneously. Okay.

बट डेटा कंप्रेशन भी करते हैं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट डेटा कंप्रेशन यू कैन नॉट डू एनी थिंग सो डेटा कंप्रेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके अलॉन्ग विद द कोडिंग ऑफ अवर इंफॉर्मेशन ओके सो दैट आई टोल्ड इन माई लास्ट लेक्चर नाउ वी विल सी सोर्स कोडिंग सोर्स कोडिंग मतलब हमें कोडिंग करनी है अब जब कोडिंग हमको करनी है तो वाट आर द सिंपल टर्मनोलॉजी रिगार्डिंग द कोडिंग ऑफ अवर इंफॉर्मेशन सोर्स लाइक कोड कोड की बात करें कोड मतलब क्या द सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस ओके मैं कोई भी कोडिंग कर रहा हूं इन बाइनरी इफ आई एम डूइंग द कोडिंग सो सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन ओके देर इ सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस दैट इज इट मीन्स कोड वो कोड है कोड वर्ड क्या है इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कोड से जीरो वन जीरो जीरो ये कोडिंग मैंने कर दी है कोड बना दिया अब कोड वर्ड कौन से हैं इसके ये कोड वर्ड है ये कोड वर्ड है ये कोड वर्ड ये सब अलग इसके इंडिविजुअल जो भी है दैट इज अवर कोड वर्ड ओके अल्फाबेट्स मतलब किसी लेटर को किसी सिम्बॉल को और एनीथिंग अदर ओके वॉट वी वॉन्ट टू प्रोवाइड सम कोड कोडिंग ज द मीनिंग ऑफ कोडिंग कोडिंग का मतलब क्या है द प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस टू अल्फाबेट इस अल्फाबेट को एक बाइनरी सीक्वेंसेस के फॉर्म में कोड प्रोवाइड करना देट इज कोडिंग कोडिंग का मतलब यही तो है कि अवर इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ सम अल्फाबेट एक्सेट्रा ओके एंड वी हैव टू प्रोवाइड सम बाइनरी सीक्वेंसेस दैट इज नोन एज कोडिंग कुछ कोडिंग मैंने दे दी जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो वन तो यही हम कर रहे हैं सोर्स कोडिंग मतलब जो भी सोर्स हमारा इंफॉर्मेशन आ रही है दैट वी हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ सम कोर्स और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं कोडिंग तो सोर्स को कोड कर रहे हैं इसलिए सोर्स कोडिंग सोर्स कोडिंग के साथ साथ वी हैव टू आल्सो कंप्रेस अवर डेटा बिकॉज इन बाइनरी सीक्वेंस डेटा विल बी सो लार्ज बहुत लार्ज डेटा हो जाता है लेटर को लिखेंगे इट्स सो बिग एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कम्युनिकेट दो सो बिग डेटा इसीलिए हम उससे ज्यादा बड़े डेटा को हम कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी दैट्स वाई वी हैव टू कंप्रेस अवर डेटा इट मींस in source coding we have to encode our information along with data completion, that's you have to keep in your mind okay. now classes of codes so source coding have to source coding aised so there are number of source codes and we have to uh, we can classify those code into the uh, नंबर ऑफ सोर्स कोर्स ओके सो क्लासेस ऑफ कोर्स कोर्स को हम क्लासीफाई करें तो इस तरह से जैसे ऑल ये ऑल कोर्स बहुत सारे कोर्स अच्छा इनमें कुछ कोड हमारे नॉन सिंगुलर कोर्स होंगे कुछ यूनिकली डिकोडेबल कोर्स होंगे कुछ इंस्टेंटेनियस या प्रीफिक्स कोड होंगे सो इन दिस वे वी कैन क्लासीफाई सोर्स कोर्स अब जो सोर्स कोर्स है जो भी सोर्स को हम कोडिंग कर रहे हैं दे में भी फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ एक फिक्स लेंथ के भी हो सकते हैं और वेरिएबल लेंथ के भी हो सकते हैं ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आल्सो वी हैव टू वी कैन क्लासीफाई अवर कोर्स सो दिस इज द सिंपल क्लासीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सम इंस्टेंटेनियस और पिफिक्स कोड यू डी सी कोड यूनिकली रिकॉर्डेबल कोर्स ओके नॉन सिंगुलर कोर्स एंड सो ओके नाउ स्टार्ट करें हम जैसे पहली बात करूं मैं किसके बारे में व्हाट प्रीफिक्स और ये क्या होते हैं प्रीफिक्स और इंस्टेंटेनियस कोड सो सी इन पीपीटी केयरफुली व्हाट आई एम राइटिंग हेयर अ कोड इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स और इन इंस्टेंटेनियस कोड इफ नो कोड वर्ड इज अ प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर कोड मतलब कोई कोड प्रिफिक्स और स्टेटेंस कोड जब होगा जब नो कोड वर्ड इज ए प्रिफिक्स ऑफ एनी जब कोई भी कोड वर्ड किसी और कोड वर्ड का प्रिफिक्स ना हो नो नो प्रिफिक्स नहीं होना चाहिए तब प्रिफिक्स कोड होगा डेफिनेशन उल्टी है यहाँ पे जनरली क्या होता प्रिफिक्स कोड प्रिफिक्स होना ऐसा नहीं हेयर सिचुएशन रिवर्स इफ नो वर्ड इज ए प्रिफिक्स ऑफ एनी अदर कोड then it will be prefix code. Now I am writing here the some examples. ये example देखिए मान लो लाइट मैंने लिया इसमें कि zero ये code word ले लिए मैंने zero one zero one one zero one one example कुछ भी ऐसा ले लिया अब इसमें आप देखेंगे जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन 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 ये क्या है प्रिफिक्स कोड क्यों है प्रिफिक्स कोड इसमें कोई भी ऐसा कोडवर्ड नहीं है जो दूसरे वाले का किसी और कोडवर्ड का प्रिफिक्स हो अब देखें जीरो इज नॉट ऑफ़ एनी अदर कोडवर्ड में नहीं अदर कोडवर्ड वन वन जीरो इज नॉट प्रिफिक्स ऑफ एनी अदर कोडवर्ड वन 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 इज नॉट प्रिफिक्स ऑफ एनी अदर कोडवर्ड दीज आर वॉट दीज आर प्रिफिक्स और Instantaneous code, एक ही बात होती है instantaneous code बोले या, prefix. तो प्रिफिक्स कोड का मतलब समझने का यही है नो कोडवर्ड विल बी द प्रिफिक्स ऑफ एनियड सो इन दिस एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट दीज ऑल आर प्रिफिक्सियन एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑल माल हम तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें क्या देखें अपन देखो देखें जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो सो हेयर जीरो इज नॉट नॉटिक्स हाँ ओके बट वन वन इज द प्रिफिक्स ऑफ दिस कोड कोडवर्ड सो दिज आर नॉट प्रिफिक्स कोड ये प्रिफिक्स कोड नहीं है प्रिफिक्स कोड जब ही होगा तभी होगा जब नो कोरवर्ड विल बी द प्रिफिक्स ऑफ एनी अदर कोर्स सो दीज आर दू एग्जाम्पल फ्रॉम दिस दीज एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड की प्रिफिक्स कोर्स कौन सा है और कौन सा नहीं है यू कैन आइडेंटिफाई ईजिली ओके बस दिस डेफिनेशन यू हैव टू कीपुर माइंड वॉट इफ नो कोरवर्ड्स इज अ प्रिफिक्स ऑफ एनी अदर कोडवर्ड तब वो प्रिफिक्स और इंस्टेंटेनियस कोर्ड है अदरवाइज नहीं है ओके ंड यूडीसी यूडीसी मींस यूनिकली डिकोडेबल कोड्स यूनिकली मतलब यूनिकली डिकोड कर पाए ऐसा कोड नाम ही इसका ऐसा यूनिकली इसके नाम के हिसाब से चलेगा प्रिफिक्स में ऐसा नहीं था उसमें उल्टा इसमें ऐसा नहीं यूनिकली डिकोडेबल को मतलब ऐसे कोड जिनको हम यूनिकली डिकोड कर पाए या सिंपल लैंग्वेज क्या बोला लिखा है मैंने अ सीक्वेंस ऑफ कोड्स

ओके okay. जैसे एग्जाम्पल लें हम तो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया वॉट फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी डी फॉर ए इट्स कोड इज ज़ीरो वन वन जीरो वन वन ओके नेक्स्ट आई एम टेकिंग वन जीरो अब वन जीरो को देखें तो वन जीरो को हम डिकोड यदि करना है इनमें से हम कैसे कर सकते हैं देखें यहाँ पे एक तरीका वन जीरो क्या है वन ज़ीरो इट मीन्स बी इफ आई वॉन्ट टू डॉर्ड सो वन जीरो आई कैन रिकॉर्ड इन दिस वे इन बी ए वन जीरो ओके और देखें कुछ हाँ ओके सी सी ऑलरेडी है तो और कुछ है नो no, और कुछ तो वन जीरो को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एक तो बी ए इसमें बी ए के फॉर्म में और सी तो किस को एक तक से मैंने क्या बोला ओनली इन सिंगल वे इफ यू कैन डिकॉर्ड योर कोड देन इट विल बी यूनिकली डिकोडेबल कोर्स मगर सिंगल वे नहीं आ रहा, यहां पे रहा है यहां पर क्या आ रहे हैं मल्टीपल वे आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल और भी कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इस तरह से तो वन जीरो आई कैन डिकोड इन मल्टीपल वे सो इट विल नॉट यू डी सी यू डी सी मीन्स यूनिकली डिकोडेबल कोर्स ओके ओके लेट सी अनदर एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू हेयर अगेन आई एम 0 1 वन 0, जीरो 1 वन जीरो वन लेट्स इट A, ए बी सी एंड डी लेट्स take 1 0 0. अब वन जीरो जीरो को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं तो बी ए यदि मैं लूँ 100 जीरो जीरो बी ए तो 100 जीरो जीरो को मैं डिकोड करना चाहूँ कैसे करूँगा बी ए इस फॉर्म में कर सकता हूँ और कोई फॉर्म दिख रहा है इसमें वन जीरो नहीं कोई नहीं तो ओनली सिंगल वे दिस इज ओनली सिंगल वे बाय दैट यू कैन डिकोड दिस वन जीरो जीरो इन टू दिस फॉर्म तो एक ही तरीका इसमें आ रहा है जिसमें हम इसको डिकोड कर पाएंगे एक ही फॉर्म में वही हमारी कंडीशन थी कि अ सिक्वेंस ऑफ कोड दैट कैन बी डिकोडेड ओनली इन सिंगल वे देन इट विल बी यू डी सी सो हेयर वॉट यू कैन से दीज आर यूनिकली डिकोडेबल आई होप इट इट इज क्लियर टू एवरीबडी वॉट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकली डिकोडेबल कोर्स इट मीन अ सिक्वेंस ऑफ कोर्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड ओनली इन सिंगल वे एक ही तरीके से एक ही वे से यदि हम उसको डिकोड कर पाए तो वो यूडीसी है और यदि नहीं कर पाएं तो वो क्या है नॉट यू डी सी ऐसी प्रिफिक्स में क्या बोला था इफ एनी कोड वर्ड नॉट बी प्रिफिक्स ऑफ एनी अदर कोडवाइ कोई भी एक कोडवर्ड किसी और कोडवर्ड का प्रिफिक्स न हो तो वो प्रिफिक्स कोन आइडेंटिफाई यदि आप किसी कोड को सिंगल तरीके से सिंगल वे से ही डी कोड कर पाए तभी वो यूडीसी है अदरवाइज यूडीसी नहीं है नाउ बात करें हम नॉन सिंगुलर की अ कोर्ड इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ एक्स मेप्स इनटू अ डिफरेंट स्ट्रिंग इन डी दैट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स डैश सी एक्स इट मीन्स इसका करस्पोंडिंग कोड एंड सी एक्स डैश इज नॉट इक्वल टू दिस देन इट विल बी नॉन सिंग्युलर सो दिस इज द कंडीशन फॉर नॉन सिंग्युलर लेट्स फॉर example, इफ we टेक द example, c x वन की कोडिंग x वन की कोडिंग मान लो जीरो जीरो है c x टू की कितनी है वन वन तो यदि मैं x वन x टू की निकालूंगा सो इट विल be क्या कोडें आएगी ए B लिया था जीरो 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 नाउ अ कोड इज कॉल्ड यूनिटी इफ इट्स एक्सटेंशन इज नॉन सिंगुलर तो यू भी जब होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा नॉन सिंगुलर A code is called prefix or instantaneous code if no code word is a prefix of any other code word. So, in this way you can identify number of codes, okay, whether it is singular, non-singular, UDC prefix or instantaneous code. So, in this way you can identify easily these codes. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी वॉट आई वॉन्ट टू टीच यू ओके हेयर कि इस तरह से आप किसी को भी किसी भी कोर्स को पहचान पाओगे आइडेंटिफाई करोगे कर पाओगे वेदर इट इज़ यू डी सी वैदर इट इज़ सिंगुलर नॉन सिंगुलर वैदर इट इज़ प्रिफिक्स और इंस्टेंटेनियस कोर्स अब दिस इज अब कुछ कंस्टेंट भी होते हैं हमारे हमने कोड तो पढ़ लिया भैया ये सब कोड होते हैं ऐसा होता है वैसा हो रहा है ठीक है लेट्स ओके बट सम सम कंडीशंस आल्सो आर देयर लाइक क्राफ्ट इन इक्विलिटी क्राफ्ट इन इक्विलिटी और क्राफ्ट मैकमन इन एक तरह का कंस्टेंट और कंडीशन है फॉर दिस कोर्स यदि ये कोड हैं और उसमें हम कुछ कोडिंग कर रहे हैं कुछ कोड वर्ड्स के थ्रू तो उसकी जो लेंथ है वो इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए दैट इज क्राफ्ट इन व्हाट वॉट आई एम राइटिंग है फॉर इंस्टेंटेनियस कोड ओवर एन अल्फाबेट ऑफ साइज डी फॉर बाइनरी दिस डी इज इक्वल टू टू द कोडवर्ड लेंथ मस्ट सेटिस्फाई दिस इन व्हाट वॉट फ्रॉम आई टू जहां से जहां तक हम जा रहे हैं डी टू पावर माइनस का एल आई एल आई मतलब कोड वर्ड की लेंथ Less than or equal to 1. So, this is the craft inequality condition that must satisfy for any source code. Conversely, given a set of code word lengths that satisfy this inequality, there exists an instantaneous code with this word lengths, Okay. So, this is the sufficient condition. Okay. Now, how you prove? How you say? Consider a D array tree okay, in which each node has D children. Let the branches of T represent the symbol of the code words. For example, the D branches arising from the root node represent the D possible values of first symbol of the code word. Then each codeword is represented by a leaf on the tree. If you make a tree okay, from from example, then you can get this type of structure. Let us I will tell you in my next PPT. The path from the root traces out the symbol of the codeword. Like I am taking the example of binary tree, okay. So, in binary T, all the instantaneous or prefix code edim istaraka.

ओके डी इज इक्वल टू कितना है टू अब टू की पावर माइनस का एल कितना होना चाहिए लेस देन इक्वल टू वन दिस इज अवर क्राफ्ट इनइलिटी ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए इफ आई एम परफॉर्मिंग आई एम डूइंग फॉर द सोर्स कोड सो दिस कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड ऑलवेज ओके नाउ वी आर स्टर्डिंग वी आर सींगेयर फॉर प्रिफिक्स फॉर इंस्टेंटेनियस कोड तो दिस इनइक्विलिटी फॉर प्रिफिक्स कोड ओके सो व्हाट आई एम आई वाज टॉकिंग इन लास्ट पीपीटी रूट ओके ट्री सो दिस इज लाइक अ ट्री ओके आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल ए बी सी डी ज़ीरो वन जीरो सी डी सो आई कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ दिस फिगर सो फ्रॉम ज़ीरो इट इज दिज आर द्रांच ओके फ्रॉम वन ओके वन जीरो नौ वन से हम आगे और देखें तो वन 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 ओके वन वन ज़ीरो ओके ऐसे जीरो सो इन दिस वे फ्रॉम दिस वी कैन ड्रॉ सम ब्रांचेज और इन टर्म्स ऑफ सम ट्री ओके सो नाउ इफ आई हैव टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन ओके समेशन आई जहाँ से जहां हम जा रहे हैं ओके वन टू के डी टू पावर माइनस का एल आई लेस देन और इक्वल टू वन ये होना चाहिए दिस इज द क्राफ्ट मैकमिलन इन

टू टी पावर माइनस वन प्लस टू की पावर माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री इफ आई एड ऑल इतना ही है फिलहाल तो हमने इसी एग्जाम्पल लिया था सो ऑलवेज इट विल बी लेस देन वन सो दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई वाई आई एम टेकिंग टू बिकॉज आई एम डीलिंग फॉर बाइनरी ओके आई एम ओनली यूजिंग वन एंड जीरो टू सिंबॉल है ओके दैट्स वाई आई एम टेकिंग डीजिकल टू So, this condition, this is the very very simple example that you can take and satisfy the craft inequality. Okay. Now, prefix code and instantaneous code, and other, uh, other thing is what? UDC. These uh, two codes you have to keep in mind because these are very very important. The prefix condition on the code words implies that no codeword is an and center of any other code words on the tree. Tree tree for taking uh, example. You can take another example also. From different different example, you can take different different tree. Hence, each code word eliminates its dissidents as possible code words. So, in this lecture what I told you, I told you the number of source codes and their identification, how you identify those codes, whether it is UDC, prefix or singular, non-singular, etcetera codes. Next, we will concentrate on optimal code, we are classifying and seeing different, different codes, but what is our motto? हमारा मोटिव क्या है हमारा मोटिव है वी हैव टू डिजाइन वी हैव टू प्रिपेयर वी हैव टू यूज ऑप्टीमल कोड ऑप्टीमल मीन्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ओके सो क्राफ्ट इन होनी चाहिए दिस इज द सफिशियंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोड वर्ड होनी ही चाहिए ओके okay. किस पे फिक्स कोड किसके लिए क्राफ्ट इन होनी ही होगी तो मान लो हमारी एल वन एल टू एल वन लेंथ है और एल हमारी यदि टोटल लेंथ हम लेना चाह रहे हैं एल

कोडवर्ड हमारा छोटा होगा एंड दैट विल बी ईजी फॉर अस टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन एंड टू आ सो आवर मोटिव और ऑब्जेक्टिव इज टू डिजाइन सच टाइप ऑफ ऑप्टीमल कोड विथ मिनिमम कोडवर्ड लेंथ तो दैट वी विल सी इन माई नेक्स्ट लेक्चर ओके सो दीज आर माई रेफरेंसेस थैंक यू वेरी मच In next lecture, I will tell you about the optimal